दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की आक्रामक गेंदबाजी के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों के हैरतअंगेज बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने किस तरीके से जीत की दहलीज पर रख दिया है कदम, तो वहीं रोहित शर्मा के साथ कौन सी हुई दुखद घटना, ये तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे ही। साथ ही साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले दो मुकाबलों में सीरीज को एक एक की बराबरी पर पहुंचाने के बाद तीसरा मुकाबला दूसरे मुकाबले के कुछ ही घंटे बाद सेंट किट्स के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने आखिरकार टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम में एक बदलाव रविंद्र जडेजा की जगह दीपक हुड्डा को खिलाकर किया गया और सबसे पहले विरोधी टीम की तरफ से ओपनिंग करने काइल मेयर्स और ब्रैंडन किंग आए और दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया था। दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे और पावर प्ले में 45 रन बटोर लिए, लेकिन अभी भी भारतीय टीम के गेंदबाज इनको आउट करने का तोड़ नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन वेस्टइंडीज को पहला झटका हार्दिक पांड्या ने दिया और उन्होंने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रैंडन किंग को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां किंग ने 20 गेंदों पर 20 रन बनाए थे और इस दौरान 3 चौके लगाए थे। उन्होंने काइल मेयर्स के साथ पहले विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की, तो वहीं ब्रैंडन किंग के आउट होने के बाद निकोलस पूरन क्रिज पर आए और काइल मेयर्स इस मुकाबले में जबरदस्त फॉर्म में थे। उन्होंने इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को निशाना बनाया, जहां काइल मेयर्स ने अपना अर्धशतक 41 गेंदों पर पूरा कर लिया और टीम इंडिया को दूसरे विकेट की तलाश थी। लेकिन इसी बीच वेस्टइंडीज को दूसरा झटका भुवनेश्वर कुमार ने दिया, जिसमें भुवी ने विंडीज कप्तान निकोलस पूरन को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करा दिया और पूरन ने 23 गेंदों पर 22 रन बनाए थे। उनके आउट होने के बाद रोमन पॉवेल क्रिज पर आए और दूसरी तरफ से काइल मेयर्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने पहले चौका खाया और इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने टिप्स देते हुए भुवनेश्वर कुमार को समझाया और भुवनेश्वर कुमार ने अगली ही गेंद पर काइल मेयर्स को ऋषभ पंत के हाथों कैच करा दिया, जिसमें मेयर्स ने 50 गेंदों पर 73 रन बनाए थे और इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए थे। तो वहीं अंतिम दो ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके 27 रन बटोरे, जिसमें लगातार 4 गेंदों तक 2 छक्के और 2 चौके लगे। इसके बाद अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने चौका खाने के बाद वापसी करते हुए रोमन पॉवेल को 14 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाने के बाद यॉर्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर हेटमार भी 12 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के की मदद से 20 रन बनाने के बाद सूर्य कुमार यादव के हाथों रन आउट हो गए और इसी के साथ वेस्टइंडीज ने 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। तो वहीं भारतीय गेंदबाजों की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट, तो वहीं हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट हासिल किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने और 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने अपनी पहली गेंद पर और भारतीय टीम का पहला चौका लगा दिया और ओवर में एक और चौका सूर्य कुमार यादव ने लगा दिया था। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने पहले एक और चौका लगाया, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा के साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई, जहां रोहित शर्मा चोटिल हो गए और हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण वो मैदान से बाहर चले गए, जिसमें रोहित ने 5 गेंद पर 11 रन बनाए थे। उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं रोहित के रिटायर हर्ट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रिज पर आए और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे और 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 चौके भी लगाए और इसी तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए और इसी के साथ पावर प्ले में 56 रन बिना विकेट गंवाकर बना दिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी बेहतर रही या फिर बल्लेबाजी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।